वेल्थ कोशमर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, यानी कि जब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होते हैं हम उन्हें क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बोनस इशू या बोनस शेयर्स। अब ये बोनस शेयर्स होते क्या हैं, इनका इंपैक्ट क्या होता है, कंपनियां क्यों इन्हें लेकर आती हैं और आपको उससे समझना क्या चाहिए, तो इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं ये मैजिक ऑफ बोनस शेयर्स होता क्या है। इंफोसिस, इंफोसिस को आप हम सब जानते हैं। अगर आपने आईपीओ में 100 शेयर खरीदे थे, वो शेयर्स आज बढ़कर हो चुके हैं 51200, यानी 51200 शेयर्स। प्राइस जो 95 थी वो 1900 हो गई है। लेकिन आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, जो आपका 9500 रुपए था, मात्र 9500 रुपए, उसकी कीमत आज की डेट में है 9,72,80,000 रुपए। तो कैसे ये 9500 रुपए 9 करोड़ में बदल गए, तो ये कमाल था बोनस शेयर्स का। तो कंपनियां ये बोनस शेयर्स लाती कहां से है, ये होता क्या है। बोनस शेयर्स कुछ भी नहीं होते, ये फ्री शेयर्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं जो करंट शेयर होल्डर्स को बिना किसी एडिशनल खर्चे के, जिस प्रपोर्शन में आपने शेयर्स होल्ड किया है उसी प्रपोर्शन में आपको दिया जाता है। ये आता कहां से है, ये आता है एक्यूमुलेटेड अर्निंग से, जो डिविडेंड के तौर पर आपको नहीं दी गई है। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, तो देखिए होता क्या है। जब भी कंपनियां प्रॉफिट करती हैं, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, कंसिस्टेंट है, बहुत सालों से वो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो आपको बांट देते हैं उसी पैसे को डिविडेंड के तौर पर। आपको कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो वो प्रॉफिट आपके पास आ गया, लेकिन कंपनियां कभी भी पूरा प्रॉफिट नॉर्मली आपको नहीं देंगी। क्यों नहीं देती हैं, क्योंकि वो एक हिस्सा अपने पास रखती हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है। अगर कंपनी देखिए, आज जो आप देखते हो कि रिलायंस जियो है, अगर कंपनी ने इसमें पैसा नहीं लगाया होता, इसे स्टार्ट नहीं किया होता, तो रिलायंस आज भी सिर्फ ऑयल एंड गैस कंपनी ही बन के रहती। आज क्योंकि बिजनेस आपका एक्सपैंड है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी है, तो बिजनेस को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कंपनियां जब उस तरीके से एक्सपैंड हाल फिलहाल नहीं कर रही हैं, या उन्होंने आपको एक रेशियो में डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, उस डिविडेंड को और एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, तब ये पैसा चला जाता है रिजर्व्स में और सरप्लस में। तो ये पैसा आपका कहां पे चला गया, रिजर्व्स और सरप्लस में। तो कंपनियां या तो डिविडेंड देंगी, या तो बिजनेस को एक्सपेंड करेंगी, या ये पैसा चला जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लेकिन ये पैसा है किसका, ये पैसा है शेयर होल्डर्स का, यानी आपका। अब क्योंकि आप इस कंपनी के ओनर हो और ये पैसा आपकी का है, जब मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है कि क्यों ना इसमें से एक हिस्सा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का है आपको एज अ फ्री शेयर दे दिया जाए, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कंपनी के पास में जो पैसा पड़ा था, जो कंपनी का वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन में देयर इज नो चेंज, वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि कंपनी वही की वही है, बिजनेस वही का वही है। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी ने उस पैसे को जो पड़ा हुआ था रिजर्व्स और सरप्लस में, उसे कहां पर डाइवर्ट किया, उसे लेकर गए कैपिटल में। तो ये क्या हुआ, रिजर्व्स एंड सरप्लस से अब कैपिटल में मूव कर गए। अब अगर इसे कैपिटल देना है या बनाना है, तो उन्हें करना क्या होगा, उन्हें आपको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो जब कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए, तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो आपके पास में एडिशनल फ्री
शेयर्स आ गए। तो अब ये जो फ्री शेयर्स बने, जो ये फ्री शेयर्स बने उसके लिए किसी ने पे नहीं किया, ये कहां से आया? ये आया आपका रिजर्व्स और सरप्लस से आया। चलिए अब हम एग्जांपल समझते हैं कि बोनस शेयर्स इशू कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इस चीज को आप ध्यान पे रखिएगा, जब भी आप देखते हैं कि एक 1:5 का बोनस इशू हुआ है, 1:5 का बोनस इशू हुआ है, तो ये जो 5 है वो आपके ओरिजिनल शेयर्स हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो पीछे लिखा रहता है, सेकंड नंबर पे रहता है, वो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। उस एग्जिस्टिंग शेयर्स के बदले आपको कितने शेयर्स मिलेंगे वो यहां पर लिखा रहता है। तो ये आपका बोनस है। 5 शेयर्स अगर मैं होल्ड कर रहा हूं तो मुझे 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, फ्री में मिलेगा। अब यहां पर आप देखिए, 5 शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो, आपको 1 शेयर मिल रहा है। तो अगर आपके पास में 200 शेयर हैं, 200 एग्जिस्टिंग, तो अब आपकी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि अब शेयर्स क्योंकि 240 हो जाएंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या जो आपकी वैल्यूएशन है वो तो ऑटोमेटिकली 20% से बढ़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था अगर वो 100 रुपए का था तो वो 20% से बढ़ जाना चाहिए, तो थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, ये पैसा किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये पैसा रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की वैल्यूएशन को, कंपनी की वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई सिर्फ एक बुक एंट्री करने से? जो पैसा रिजर्व्स में पड़ा था उस पैसे को हमने कैपिटल में मूव कर दिया, तो कंपनी की वर्थ क्या बढ़ गई? जी नहीं, कंपनी की वर्थ नहीं बढ़ी, कंपनी की वर्थ वही की वही है। तो शेयर प्राइस अगर 20% से बढ़ जाता है तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है। तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो एक्चुअली 20% से गिर जाएगी। चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी 1:1 का बोनस इशू करती है, 1:1 का बोनस इशू करती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास में 10 शेयर्स थे तो वो हो जाएंगे अब 20 शेयर्स, और अगर आपके पास उस शेयर्स की वैल्यू थी 1000 तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था 10,000, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 500 रुपए। तो 500 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वर्थ अभी भी 10,000 ही रहेगी। तो इससे मुझे ये समझ में आया, शेयर्स तो मेरे बढ़ जाएंगे बट क्या मेरी प्राइस बढ़ेगी? जी नहीं, प्राइस तो मेरी बढ़ नहीं रही है। तो फिर इसमें मजा क्या है? सिर्फ शेयर्स बढ़ते जाएंगे, सिर्फ यही मजा है? चलिए अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। अब आप एक चीज को देखिएगा, अगर मैं, मेरे साथ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत लोग कहते हैं कि अभिषेक मैं MRF का शेयर नहीं खरीद पाऊंगा। क्यों नहीं खरीद पाऊंगा? 80,000 रुपए प्राइस चल रही है। अब मैं एक कंपनी है वैपको करके, वैपको बहुत बढ़िया कंपनी है, 8,000 रुपए इस शेयर का प्राइस है। अब ये 80,000 है या 8,000 है, लेकिन ये दोनों महंगे हैं ना, ये दोनों महंगे हैं। ये पहले जब 60,000 होता था तभी भी महंगा था, जब ये 40,000 था तो भी महंगा था। इस शेयर की प्राइस एक जमाने में 6,000 थी तो भी ये महंगी थी, लेकिन लोग तो इसे नहीं खरीद पाते थे। लेकिन जैसे ही अगर मैं इस 8,000 रुपए के शेयर को 1:2 का बोनस देता हूं या 1:1 का भी बोनस देता हूं, तो ये प्राइस क्या होगी? सीधा 4,000 आ जाएगी। अब ये प्राइस अगर 4,000 आ गई तो थोड़ा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस चक्कर में होता क्या है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है और प्राइस रिड्यूस हो जाती है। और कंपनी क्या कर रही है, ये पैसा आपके हाथ में नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आपको कुछ थोड़े से अमाउंट मिल जाते हैं तो उस अमाउंट से आप क्या कर लोगे? लेकिन जब कंपनी ये देखती है
कि अगर वो इसे कैपिटल में रखती है तो जब वो उसे यूज करेगी, बिजनेस में यूज करेंगी, तब क्या होगा, तब ये ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। तो ये पैसा कंपनी में ही रहा, आपके नाम पे ही रहा, आपको एक फील गुड फैक्टर भी आया कि भैया हाँ कंपनी ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स दिए और कंपनी ने डिविडेंड की बजाय आपको बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो ये कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, यही आपकी समझ होनी चाहिए। अब एक एक करके हम इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। मेरे जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, बढ़ना ही होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, एक कंपनी के पास में 1 करोड़ शेयर थे और कंपनी की प्राइस थी 200 रुपए, ठीक है, ये कंपनी की प्राइस थी अगर 200 रुपए, तो ये जो 1 करोड़ और 200 रुपए यानी ये 200 करोड़ हो गई कंपनी की वर्थ। अब कंपनी ने क्या किया, 1:1 का बोनस इशू किया, तो ये शेयर्स कितने हो गए, 2 करोड़ हो गए ना, हमने तो यही समझा था, प्राइस हो गई 100, अभी भी कंपनी कितने की है, 200 करोड़ की है, तो मेरे आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, शेयर प्राइस क्या होगा, गिरेगा। रिजर्व एंड सरप्लस से क्योंकि ये निकल रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस गिर जाएगा, एक वर्थ क्रिएट हो रही है कंपनी की, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए जब शेयर की प्राइस कम होती है तो यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस ये नहीं बताती कि कंपनी महंगी है या सस्ती, कंपनी कितनी बड़ी है वो आपको मार्केट कैप से पता चलता है, लेकिन एक नॉर्मल जनरल पब्लिक के दिमाग में एक बढ़िया फील गुड फैक्टर आता है जिसके पास वो ज्यादा बाय और सेल कर पाते हैं, तो लिक्विडिटी आपकी बढ़ जाती है। और अगर आप एक चीज देखोगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो जहां जहां जिन जिन रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं वहां पर आप देखोगे जैसे ईपीएस हुआ या बुक वैल्यू हुई, ये सारे गिर जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली एक पेज में बता दिया कि बोनस का इंपैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा। अब आपको एक चीज को समझना है कि जब भी कंपनी बोनस इशू कर रही है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की वो जो वर्थ है वो सेम रह रही है और शेयर प्राइस प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जा रही है, तो इससे कोई भी फायदा है आपको? अब आप देखिए, मैंने आपको बोला कि इंफोसिस का आईपीओ आया 95 में, आज प्राइसेस 1900 ही है, एमआरएफ 80,000 में, लेकिन ये 1900 ही है, तो ये जो प्राइस नहीं बढ़ी उतनी तेजी से, ये सिर्फ देखने में लग रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपके 9,500 रुपए कितने हो गए, 9.7 करोड़, तो कंपनी ने डिलीवर किया, आपको समझ में भी नहीं आया। रिलायंस भी बहुत बार बोनस शेयर्स देता है और प्राइस नीचे आ जाती है, आपको लगता है रिलायंस 2400 रुपए का है, बट वो 2400 रुपए का नहीं है, उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके शेयर्स बार बार बढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि जब प्राइजेस कम हो जाते हैं तो रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण धीरे 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 शेयर प्राइजेस बढ़ती हैं, गिर भी सकती है लेकिन बढ़ भी सकती है। तो ये सारी चीजों को मैं एक बार में आपको क्लियर कर रहा हूं। लास्ट में बोनस शेयर्स क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा रहे हैं, इक्विटी डाइल्यूट हो रही है, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी जो थी पहले अब वो ज्यादा शेयर से होगी तो ईपीएस वगैरह जो है वो डाउन हो जाएगा। जब भी ईपीएस डिक्लाइन करता है तो स्टॉक प्राइसेस को गिरना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ज्यादा शेयर्स बाय सेल होते हैं, आसानी से बाय सेल होते हैं, तो कई बार आप देखोगे कि शेयर प्राइस बढ़ भी जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है मतलब उसकी बैलेंस शीट तगड़ी है, उनमें कॉन्फिडेंस है बिजनेस को बढ़ाने का और वो रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छा खासा क्रिएट कर चुके हैं, वो डिविडेंड भी दे रहे हो सकते हैं और कंपनी एक्सपैंड भी कर रही हो सकती है, उसके बावजूद कंपनी जब बोनस शेयर्स देती है तो वो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव सेंटिमेंट है जो इन्वेस्टर्स के लिए भी है, साथ साथ मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर में आपको एक कॉन्फिडेंस देता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू आपको बिल्कुल समझ में आया होगा बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस स्ट्रिपिंग क्या होती है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप वेट कीजिए इसका। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं।